आज हम माता का आंचल पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन हैं? इसमें सभी चार ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। मैं केवल यहाँ पर सही जवाब आपको बता रही हूँ, यह है शिव पूजन सहाय। सेकेंड क्वेश्चन है, लेखक के पिता प्रातः उठकर क्या करते थे? तो यहाँ पर सही जवाब है, लेखक के पिता जो सुबह जल्दी उठ जाया करते थे वह नहा धोकर पूजा किया करते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है कि लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? आपने पढ़ा भी होगा, पिताजी उसे भोलानाथ कहते थे और वह भभूत का तिलक लगाया करता था। भभूत होती है राख की तरह की होती है, जो हम पूजा पाठ में अगरबत्ती आदि चलाते हैं तो उससे जो राख बच जाती है उसे भभूत कहा जाता है, उसी का तिलक यहाँ पर लेखक लगाया करता था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्वेश्चन ये है कि भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? भभूत लगाने से लेखक बम्बोला बन जाते थे। बम्बोला किसे कहा जाता है? यहाँ पर शिव जी भगवान को बम्बोला कहा गया है। प्रश्न 5वां जो है हमारा वह आता है, लेखक का वास्तविक नाम क्या था? तो लेखक को पिताजी तारकेश्वर नाथ कहते थे, तारकेश्वर नाथ उनका नाम था। वैसे भोलेनाथ भी उन्हें कहा जाता था, लेकिन उनका असली जो नाम था वह वास्तविक या असली नाम जो था तारकेश्वर नाथ था। प्रश्न आ जाता है कि लेखिका लेखक के पिता बचपन में उन्हें क्या कहकर पुकारा करते थे? तो उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा जाता था, पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर के पुकारते थे जब उनके माथे पर तिलक लगाया जाता था तब। प्रश्न आता है, लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे? तो 1000 बार वह नाम लिखते थे राम का, उसके बाद रामनामा बही पोथी बंद कर दी जाती थी। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वह है, लेखक के पिता कितनी बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में लपेट करके मछली को खिलाने जाते थे? तो यहाँ पर 500 बार जो है वह सही जवाब है। प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है, मर्दुए शब्द कहानी में किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे और सही जवाब मैं बता रही हूँ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, लेखक की माता ने उसके पिता के लिए कहा है ये शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठौर शब्द का अर्थ बताइए। आपने सुना भी होगा कई बार हम ठौर ठिकाना बोल देते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब है स्थान। प्रश्न आ जाता है, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर के जाते थे? काठ का घोड़ा लेकर के वह जाया करते थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही जवाब है, कार गलत है, हाथी और बैलगाड़ी भी गलत है, सही जवाब यहाँ पर काठ का घोड़ा है। लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे? तो लेखक को बचपन में नाटक करना, गिल्ली डंडा खेलना, लुका छिपी करना, चोर सिपाही बनना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पसंद है वह है तरह तरह के नाटक करना। वह नुक्कड़ पर बैठ कर के नाटक किया करते थे अलग अलग तरीके के, जिसमें आपने जब पाठ पढ़ा था तब आप देख सकते हो, पाठ पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो नकली बारात लेकर के जाया करते थे, कौन दूल्हा बनता था, इस तरह से चूहे की पेटियों का यूज़ करते थे। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि वर्षा आने पर बच्चों ने कहाँ का आसरा लिया था? तो यहाँ पर पेड़ की जड़ों के पास उन्होंने आसरा लिया था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? तो मुसन तिवारी ने उनकी शिकायत की थी। उसके बाद प्रश्न आ जाता है कि चिरौरी करना का क्या अर्थ है? चिरौरी करना का अर्थ है विनती करना, किसी को कोई प्रार्थना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे? ये शब्द कहे थे लेखक के पिताजी ने और उनके मित्रों ने। प्रश्न है 17वां प्रश्न है,
बूढ़े दूल्हे पर की गई टिप्पणी के द्वारा क्या संदेश दिया गया है? इसके द्वारा यह संदेश दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी आप देखो, ऑप्शन बी में बुढ़ापे में विवाह करना उचित नहीं है। यह आपको ऑप्शन सही जो है जवाब यह सही है। फिर उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है, 18 नंबर का प्रश्न है, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है? तो भोलानाथ को सबसे अच्छा खेलना लगता है, क्योंकि भोजन भी उसे खाना पसंद नहीं था, सोना और पढ़ना भी उसे पसंद नहीं था, उसे तो केवल खेलना पसंद था। तो 18वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। इसी तरह के और प्रश्नोत्तर देखने के लिए आप देखते रहिए, और हिंदी के जो जितने भी विषय हैं हम अच्छे नॉलेज वाले विषय लेकर के चैनल पर आते रहते हैं। अगर आपको ये परचेज करना है, ये वाली बुक जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ जिस बुक से, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के परचेज भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।